एज अ फ्रेंड मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि IB71 को थिएटर में ही क्यों देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं चैनल का होस्ट एस। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जज करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बात करने से पहले मैं हल्की फुल्की स्टोरी समझा देता तुमको है क्या। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर 10 दिन के बाद वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड से डबल अटैक करने का प्लान बना रहा है। ईस्ट साइड से अटैक को रोकने के लिए इंडिया प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होती है। पाकिस्तान ईस्ट से अटैक ना कर सके इसलिए इंडिया को पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस ब्लॉक करना पड़ेगा और रूल्स के हिसाब से कोई भी देश किसी भी देश के एयर स्पेस तब तक ब्लॉक नहीं कर सकता जब तक कोई वैलिड रीजन ना हो, या वॉर चल रही हो या एक्ट ऑफ वॉर के सिचुएशन में ही वो एयर स्पेस ब्लॉक कर सकता है। इसलिए आईबी की टीम चाहती है कि पाकिस्तान का हाथ हाईजैक में दिखे और इसके चलते एक्ट ऑफ वॉर है जिसके चलते एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया जाए। मूवी के अंदर अटेंशन ग्रैब करने वाले कुछ पॉइंट्स। सबसे पॉजिटिव पॉइंट, कोई गाना नहीं है मूवी के अंदर, कोई फीमेल कास्ट नहीं है जिसको लव इंटरेस्ट दिखाया गया हो, और यही एक स्पाइस की खास बात होती है। एक तरफ हम लोग ही कंप्लेन करते रहते हैं कि स्पाई थ्रिल मूवी के अंदर भी प्यार 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 ही दिखाते रहते हैं, और जब कोई ऐसी मूवी लगती है तो थिएटर खाली मिलते हैं। एक टाइम पे आयरनी भी फील होती है। फॉर अ चेंज पाकिस्तान चाहता है कि हाईजैक ना हो और इंडिया चाहता है कि हाईजैक हो, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। थ्रू आउट द मूवी के बैकग्राउंड स्कोर आपको फुल सिचुएशन में पकड़ के रखते हैं। ऊपर से थिएटर का जो एक्सपीरियंस है, अंधेरे वाला फील, सिंगल सिटिंग में पूरी मूवी को देखना बिना ब्रेक किए, इस मजा को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये मूवी थिएटर में ही देखनी चाहिए। इसमें 70s का जो एरा दिखाया गया है परफेक्ट है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, सब कुछ परफेक्ट लगता है। आप खुद को इंटेलिजेंट तभी दिखा सकते हो जब आपका ओपोनेंट भी स्मार्ट हो। मूवी में पाकिस्तान को ऐसे लुलु पुलु नहीं दिखाया है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस में भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। बाकी मूवीज की तरह नहीं, ये पाकिस्तान को कुछ ना दिखाते हुए बस कर दिया काम। साला वो भी एक देश है, उसके खुद के पास अपने डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं शायद। और कास्टिंग की बात करें तो विद्युत जम्वाल फुल सूट करते हैं इस रोल में। उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया बट एफर्ट्स दिखते हैं, बात एक्सप्रेशंस की हो या इमोशंस की। और ये तो बढ़िया हुआ कि अक्षय या जॉन में से किसी को कास्ट नहीं किया, वरना एक कैरेक्टर में ही नहीं घुस पाता और दूसरा कपड़ों में ही नहीं आता। विद्युत जामवाल का फोर्टे भी मार्शल आर्ट और है, बट इस मूवी में उनको इंटेलिजेंस के हिसाब से ही दिखाया गया है। इंटेलिजेंस का आदमी है तो इंटेलिजेंट काम ही करेगा ना, ऐसे बिना मतलब का हाथ पैर चलाने से क्या होता है। और भाई साहब विशाल जेठवा जब जब स्क्रीन पे आता तब तब उस पे से फोकस ही नहीं हटता भाई, मैं तो उसके एक्सेंट का फैन हो गया। एक्सेंट का अडेप्टेशन भाई साहब क्या तकड़ा है, एक्सप्रेशन भी एकदम बढ़िया। ऐसा नहीं है कि मूवी में कोई कमी नहीं है, एक शॉट एक दो बार रिपीट भी हुआ है, बट उन कमियों पे ध्यान नहीं जाता है। मूवी इतनी एंगेजिंग है, सीरियसली यार, किसी अच्छी स्टोरी को देख रहे हो तो तुम उसकी कमियों को इग्नोर कर सकते हो। पता नहीं इतनी अच्छी मूवी के बारे में भी लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पर ये मूवी थिएटर के लिए वर्थ है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ये मूवी आप लोग थिएटर में जरूर देखें। और मेरे रिकमेंडेशन के बाद अगर आप थिएटर में देखते हो मूवी और आपको अच्छी लगती है, तब वापस आके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियोस के लिए।